नमस्कार, आप देख रहे हैं अंगन्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। जमीनी विवाद में एडीएम राजेश राजा पर अमरेंद्र तिवारी द्वारा सीजेएम कोर्ट में नालसी मुकदमा किया गया था दायर। एडीएम राजेश राजा ने कहा, मेरे ऊपर लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। भागलपुर इशाकचक निवासी परिवादी अमरेंद्र तिवारी द्वारा सिविल कोर्ट में अधिवक्ता अलय बनर्जी के माध्यम से सीजेएम कोर्ट में एडीएम राजेश राजा सहित 5 लोगों के नालसी मुकदमा संख्या 1095/22 सीजेएम कोर्ट में अभियुक्त बनाया गया है, जिस पर एडीएम ने बताया कि उनके ऊपर एवं अन्य 5 लोगों पर जो केस किया गया है वह पूरी तरह से गलत है। मामला उनके कोर्ट में आया था जिसमें दोनों पक्षों को नोटिस दी गई थी और एक पक्ष कोर्ट में हाजिर हुए थे और सभी कागजातों की जांच कर फैसला लिया गया था। कहीं से भी कोई गलत नहीं हुआ था, यह झूठा मुकदमा बदनाम करने की साजिश है जिसके लिए वो मानहानि का मुकदमा करेंगे। जी सर, हीरा प्रसाद जी बताया वो है मैं हीरा प्रसाद बजाते बजाते के वाला है, इंस्टीट्यूट के वाला किया, सब में जो है सो नाम है इसका अमरेंद्र तिवारी का। अब क्या